मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस संबंध में अशोकनगर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से संबंधित अहम जानकारी दी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ अब प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को अशोकनगर कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी दी, साथ ही पत्रकारों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई। सेक्शंस पे विशेष ध्यान देके और जोड़ने का है जो ज़्यादातर छूट जाता है। इसमें चाहे वो थर्ड जेंडर की बात हो या 18 से 19 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं तो उनका भी ये रहता है कि आगे चल के करवा लेंगे, अभी तो पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हमको ये देखना है 18 से 19 के बच्चे इसमें जुड़ जाएँ। जो गांव में नई नई शादियां होती हैं, जैसे ये शादी के सीज़न में शादी भी होंगी और बहुएँ आती हैं, तो उनका भी ये रहता है कि बाद में करवा लेंगे। तो जो भी पात्र हैं उनको इसी हम संक्षिप्त परीक्षण में कोशिश करेंगे कि उनका नाम इसी बार ये सुनिश्चित करेंगे इसी बार जो होगा। गाँव की बच्चियाँ रहती हैं जो 18 साल की हो गई, तो उसमें भी थोड़ा सा माँ बाप ये सोचते हैं कि तो शादी हो जाएगी इसकी 2 साल बाद, तो उनके भी नाम नहीं जुड़ेगा। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे सभी लोगों के नाम जुड़ जाए और हमारी मतदाता सूची पूरी तरीके से अच्छी शुद्ध मतदाता सूची जिसको रोकते हैं वो रहे। इसके लिए आज से सभी BLO अपने अपने मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिए हैं और कल से हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, आज हमने तो कल से वो भी जाके और मतदान केंद्र वाइज वो मतदाता सूची का गांव ग्राम सभा की बैठक में वाचन भी करेंगे और जो भी पात्र मतदाता है वो अपने उसको भी बताएंगे, वो अपने अपना आवेदन कर सकता है। और जो जैसा मैंने बताया कि मृत और परमानेंटली सस्पेंड वाले केस में उनके नाम डिलीशन की भी फॉर्म 7 भरवा के कार्यवाही करेंगे। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।